नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी स्टॉक जिन स्टॉक में अगले दिन पोजीशन बनाएंगे और उन स्टॉक की जो टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे और इंटरडे फ्री लेटर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो जान पाएंगे, अगर स्किप करेंगे या फिर बाइंग लेवल सेलिंग लेवल की जो स्क्रीनशॉट है उसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से इतना से गुजारिश है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। मैं इतना इम्पोर्टेंस एक बात बताने वाला हूँ कि आप लोगों की बहुत कम आएगी और आगे जाके आप जितने सारे ट्रेडिंग करेंगे चाहे किसी भी टिप्स पे हो वो आपकी काम आएगी। तो चलिए, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोग को और एक जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज़, एक ही ट्रेड में 20 लाख 30 लाख की बाई सेल कीजिए, बाई का 20 सेल का 20, डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज, ऑप्शन होल्डिंग चार्जेस 0, कमोडिटी होल्डिंग चार्जेस 0। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862544240। मैं आप लोगों को हर तरीके से सहायता करूँगा। तो चलिए पहले रिव्यू देख लेते हैं और रिव्यू में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कल का स्टॉक में क्या पोजीशन था आज और क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कल्याणी फोर्स जो मैंने कल यहाँ पर डिस्कस किया था, बाइंग लेवल था 336.25 रुपये और सेलिंग लेवल था 319.75 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, कल्याणी फोर्स का जो बाइंग लेवल था 336.25 रुपये था, लेकिन स्टॉक ओपन हुआ 342 में, यानी 342 रुपये में ओपन हुआ। अब देखिए, मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ, जो ट्रेडर थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड करते हैं उन लोगों को आज प्रॉफिट हुआ और जिसने रिस्क नहीं लिया उसको प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर जो मैं बाइंग लेवल यहाँ पर डाला हूँ 336.25 रुपये, एक लेवल होता है फ्रेंड्स, एक स्ट्रॉन्ग लेवल। ये कॉल अगर एग्जीक्यूट होता है नीचे से, मान के चलिए अभी 335.90 रुपये, 335 रुपये, 334 रुपये, फिर 336.25 रुपये को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, तब उसके ऊपर थोड़ा से भी सस्टेंस करते हैं, उसका मतलब ये है कि एक डायनामिक लेवल है, उसको पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, यानी उसके बाद फर्स्ट टारगेट अचीव होना है। और मेरे मैक्सिमम कॉल में फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये लेवल एक डायनामिक लेवल होता है, इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो अचानक से फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाते हैं। कभी कभार धीमी गति से फर्स्ट टारगेट अचीव होते हैं और जिस दिन तेज़ गति से फर्स्ट टारगेट अचीव होते हैं उस दिन थर्ड टारगेट, सेकेंड टारगेट, फोर्थ टारगेट भी अचीव होते हैं। अब देखिए, स्टॉप लॉस भी एक डायनामिक लेवल है। अब यहाँ पर बाय फर्स्ट लेवल, फर्स्ट टारगेट क्या था 338, सेकंड टारगेट 341, थर्ड टारगेट 344, अब ओपन कितने में हुआ 342। अब मान के चलिए 342 में ओपन हुआ, तो 341 की जो लेवल है उस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, यानी उसको ऊपर ओपन हुआ है। स्टॉक जो है बाइंग ट्रेंड पे बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से उसमें डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से ये सेकंड टारगेट के ऊपर ओपन हुआ। अगर हम सेकंड टारगेट के ऊपर अगर बाई करते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके, तो हमारे स्टॉप लॉस क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट को हम स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, या फिर जो बाइंग लेवल है बाइंग लेवल को हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि सेकंड टारगेट के ऊपर ओपन हुआ, सेकंड टारगेट एक सपोर्ट बन जाएंगे, फर्स्ट टारगेट भी सपोर्ट रहेगा और बाइंग लेवल जो था वो भी एक सपोर्ट रहेगा, तो आप उसके ऊपर बाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि नीचे के जितने लेवल हैं फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड बाइंग लेवल, वो एक सपोर्ट बन के खड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि ये इस स्टॉक में डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये सेकंड टारगेट पे ओपन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पोजीशन पे आप बाई कर सकते हैं और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बाइंग लेवल को, या फिर बाइंग लेवल के एक दो पॉइंट नीचे, या फिर 50 पैसा, या फिर 70 पैसा, या फिर 80 पैसा नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। मान के चलिए 336.25 रुपये पर ओपन हो, बाइंग लेवल है, अब 336.25 के ऊपर ओपन होता है, यानी 337 या फिर 338। ठीक है, अगर फर्स्ट टारगेट के नीचे ओपन होते हैं, अब ओपन होते हैं फर्स्ट टारगेट के नीचे, ओपन होने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, उस टाइम पर आप बाई कर नहीं पाए, या फिर आपने बाई किया नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट के नीचे हैं या फिर फर्स्ट टारगेट के आसपास है, उस टाइम पे बाई कर नहीं सकते हम, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तब एक रेजिस्टेंस है और फर्स्ट टारगेट के नीचे हम बाई कर नहीं सकते ना, उसके नज़दीक।
ठीक है। और एक बात, जब ये फास्ट टारगेट के आसपास ओपन होकर नीचे गिर जाएंगे, फिर दोबारा जब वो ऊपर आएगा बाइंग लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब भी बाय मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सप्लायर ज़्यादा है, जिसके कारण ये फास्ट टारगेट भी हिट नहीं हुआ और बाइंग लेवल जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आज जिसने बाय किया उसको प्रॉफिट हुआ, जिसने नहीं किया उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि 50 का हाई लगाया था, फोर्थ टारगेट का डन। ठीक है, तो चलिए कल के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है LTI। थोड़ा सा देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं आज। LTI को सिलेक्ट करने के रीज़न हम बता देते हैं। LTI जो है एक ही ट्रेडिंग रेंज पर ट्रेड करते हुए आज काफ़ी टाइम तक एक ही ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया और एक ही ट्रेडिंग रेंज पे क्लोज हुआ है, और फाइनली हम देख रहे हैं लास्ट में जो बुलिश कैंडल है और जो मिडल वेन की क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके उसको ऊपर क्लोज हुआ है, और डाउन ट्रेंड से उसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, और साथ ही साथ हमें नज़दीकी बुलिंजर वेन की लोअर वेन भी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया और अच्छी पोजीशन पे है, इसलिए क्योंकि RSI का रेंज भी जो है बाइंग पोजीशन पे है और ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कम्बिनेशन है इसमें भी बाइंग सिग्नल दे चुके हैं, और मूविंग MACD कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी बाइंग सिग्नल पे है, तो हर तरीके से बाइंग सिग्नल पे है। लेकिन निफ्टी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और आज कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में क्या परिस्थिति है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे, लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और पहले जो मैंने चर्चा किया था इंपॉर्टेंट बातें वो भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया वो हर टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लेवल की बात करेंगे, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल। इससे पहले और एक जानकारी देना चाहता हूँ, मेरी पेड सर्विस है, मंथली 3000 डेली चारकोल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। 9862544240 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अधिक जानकारी लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए उसका बाइंग लेवल देख लेते हैं। बाइंग लेवल रहेगा 1655.34, स्टॉप लॉस रहेगा 1643.63, फर्स्ट टारगेट 1657 एंड सिक्स टारगेट 1677। सेलिंग लेवल रहेगा 1641, स्टॉप लॉस रहेगा 1653 एंड फर्स्ट टारगेट 1639.55, सिक्स टारगेट 1619.55। तो कल के लिए मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया, अगर लेवल एग्जीक्यूट होता है तो ट्रेड करेंगे, अगर नहीं होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिना लेवल के ट्रेड नहीं करता, और मैंने अपने क्लाइंट को भी बिना लेवल के ट्रेड करवाता नहीं। बीच में जो प्राइस है 1655 और 1641 के बीच में जो 9 पॉइंट और 10 पॉइंट का जो गैप है उसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, ना करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप इंट्राडे फ्री लाइव ट्यूज कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मेनू में क्लिक करना है और यहाँ पर इंट्राडे ट्यूज में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल मिल जाएंगे, टाइम के साथ मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, 11:49 में, 10:25, 9:40। आज जो है दो कॉल में टारगेट अचीव हुआ और एक कॉल में कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, और पिछले दिन एक कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक कॉल में प्रॉफिट हुआ और एक कॉल में जो है स्टॉप लॉस हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपडेट किया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता अपडेट करने के लिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा, तो इस वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।